हेलो हेलो। अरे गंगा बड़ी गोदावरी और तीर्थ बड़ा है, जहाँ राम लिख लिया। नहीं मालूम होए कि मैं कौन हूं और क्या मेरा नाम है। मैं जात का माली हूं, लोग मुझे नथू माली के नाम से जानते हैं। मगर दोस्तों यहां का जो जिम्मेदार चाला सिंह है बहुत आकंती इंसान है। भगवान ने मुझे बहुत दुख दिया उसने, और आज जब मेरा गौना आया, मेरी शादी हुई, ये पापी मेरे औरत का डोला रास्ते में ही छीन लिया और रात भर अपने घर में रखा, सुबह मेरी बीवी को मार दिया। आज तक मैं संसार में अकेला हूं, मंदिर से फूल उठाता हूं, गंगा जी ले जाता हूं, वहां छोड़कर आता हूं, सिर्फ इतना ही काम करता हूं, कुछ ही वहां दो पैसे मंदिर वाले ने दे देते हैं, इसी में से अपना पेट पालता हूं। ये फूल मंदिर से उठाया हूं और गंगा जी की तरफ ले चलता हूं, वहीं छोड़ूंगा और फिर घर वापस चला जाऊंगा। चलता हूं मैं गंगा जी की तरफ। अरे भजले सीताराम, भजले सीताराम, भजले हो भजलिया सीताराम, आगे तीरा बालक पड़ा हुआ है, चलता हूं उसे देखता हूं कि जिंदा है या मरा हुआ है, अवश्य मुझे देखना चाहिए। क्या भगवान, ये बच्चा तो जीवित है, पता नहीं कितना कठोर इंसान रहा होगा जो आज जी गंगा जी के किनारे इसे छोड़कर चला गया। खैर कोई बात नहीं, मेरे जीवन में कोई मेरा सहारा नहीं है और आज इस बच्चे को पा करके मैं धन्य हुआ। इसे से पाल करके एक अच्छा इंसान बनाऊंगा, यही मेरे बुढ़ाई का सहारा होगा। और दोस्तों आज से इसका नाम, आज मेरे दिल के अंदर रहम हो गया कि मैं जिंदगी में
अब पूरी मेरी जिंदगी पार हो जाएगी, इसलिए आज इस बच्चे का नाम मैं रहम रखूंगा, रहम रखूंगा, रहम के नाम से बच्चा जाना जाएगा। चलता हूं, इसके खाने पीने का इंतजाम करता हूं। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में। अरे महलों के रहने वाले हमें, और महलों के रहने वाले हमें, तेरे दर से वापस नहीं आए। आज न जाने कि मेरे कमर में इतना दर्द उठ रहा है, और एक बच्चे को लेकर गए हैं, बहुत रो रहा था। मैं ही बोली हूँ कि इसे खेतों की तरफ ले जाओ, शायद चुप हो जाए। सुबह से इतना बुखार, चल नहीं जा रहा है, कुछ घर का काम नहीं हो रहा है। आ जाए तो मैं उनसे बताऊँगी, कहीं से मुझे दवा करवा दे भगवान।
जब हो गया, आज ठाकुरों ने मेरे हाथ से मारकर बच्चा छुड़ा लिया है। तो क्या सुनाए मुझे प्राण पति की घड़ी, क्या तुम यहाँ से मुझे छोड़कर कहीं भाग जाओ, बहुत दूर चली जाओ, तुम यहाँ से मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़कर चली जाओ, आपको छोड़कर अकेले में चली जाओ यहाँ से। हाँ यहाँ से चली जाओ। नहीं सभी नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए, अपने से मुझे मत जुदा करिए, मैं आपको छोड़कर कहीं ले जाऊंगी, कहीं नहीं। मैं तुमको अपनी कसम देता हूँ, तुमको मेरी कसम है, यहाँ से छोड़कर चली जाओ यहाँ से छोड़कर मुझे। क्या मेरे मालिक, आज मेरी नैया किस मजेदार में छोड़ दिए भगवान, कि मैं अपने पति की कसम मानूं, कि अपने पति का साथ निभाऊं। अगर आप कह रहे हैं तो मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ, मगर अपना ख्याल रखना सभी। तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम यहाँ से भाग जाओ। ठीक है, अपना ख्याल रखना। मैं भी चलता हूँ यहाँ से, अपना किसी तरह मैं रह लूंगा, बाकी कम से कम मेरा बच्चा तो जीवित रहेगा। बोल तेरी बीबी कहाँ, बोल बता दे, वरना तेरी जान की खैर नहीं है। हमने सुना है कि तेरी बीबी गर्भवती है। बोल पांडे, पता कहाँ है? अभी वक्त है, अपनी पत्नी का ठिकाना बता दे, वरना देख तेरे सामने। और कभी से समझावा रहे पारते माने नहीं। बोल पांडे, अपनी
पंड साहब को कहा भेजा, वरना हमारे ये जिगरियार। तुम नंबर बोलो और मैं ये शोले पांडे को मार दो, सागर मार दो, नंबर एक, नंबर दो, नंबर। देखने वालों अच्छा किया, आए ये ज्वाला सिंह की जमींदारी है, अगर किसी ने आवाज निकाला तो यही अंजाम उसका। अरे पहले तो इलाज को ले जा, ले जाओ, फेंक दे गंदे नाले में साला पह जाए, फेंक ले जा। ठाकुर साहब अब तो मेरे ख्याल से सारे बच्चे खत्म हो गए पूरे नगर के, और रही इसकी पत्नी कहां तक भाग के जाएगी, कहां भाग कर जाएगी। एक दिन वो भी संतान को मैंने दुनिया से ना मिटा दिया तो मेरा नाम सागर सिंह नहीं। वाह सागर, तेरी हिम्मत और तेरी ताकत पे मुझे बहुत बड़ा नाम। मगर बहुत शरीर थक चुकी है, क्या अब कुछ हो जाए। यानी आज तुम अपने दिल की बात कही रही, आज कुछ फिर हो जाए। राय देवरिया, देख हमारे दोस्त की इच्छा तत्काल पूरी की जाए। और क्यों बे साले, तेरी औकात कैसे पड़ जाती है बे? मुझसे गलती हो गया साहेब, गलती क्या? दारू, दारू मो मेहरारू बेचा थी। मेहरिया है तेरे? ना साहेब, नहीं ना ना, आवे वाले किशनपुर में बेचा थी। कपड़ बनाने के डाले क्या? ठीक, मैं लाइके आ गया तुरंत। ठाकुर साहब आज दारू पियेंगे और फिर और इन लोगों को देखो कैसा खामोश बैठ गए हैं। काहे खामोश बैठे हो? साहब सिर तोड़े जाते हो। अरे साहब और आई है भाई। तुम्हारे लिए तू पिएगा साहब? कब से पीने लगा बे? मैं नहीं पीता। वो वाली लेके आ, वो वाली साहब भाई ना जाइए अंदर भाई। लेके आओ, तैयार हो, ठेका बंद है, खुल जान दे। साहब इसको नहीं पीते हैं। लाओ एक कथा आओ, कहां धरने जाएगा? लेके आओ, लेके आओ। ठाकुर साहब आज पिए दिल से, इस पर साले को कितनी मत। अबे हमारे लिए कोई विस्की ब्रांड ला, विस्की ब्रांड ला हमारे लिए। ताबा तोड़ डाली और बाटल खोल डाली और फिर ठाकुर साहब बोलो यार, मजा तो खूब आएगा। क्यों नहीं आएगा? और झूम बराबर झूम सरबी झूम बराबर झूम Yeah!
आज सब लोग भी सागर लो पहन। अरे माँ देखी, देखो पापा, पापा शराब पी रहे। माँ देखो भगवान, पापा आज हमारा जन्मदिन और अब शराब पी रहे हैं।
और चाचा आप भी। अरे मालिक सागर, सागर सागर सिंह देख रहे हो कैसे गाली थकड़ कर रहा है। सागर सिंह मेरी बात को सुनो बेटी, आज तुम्हारा जन्मदिन है। हाँ पापा। तो सागर सिंह मेरी बात को तुम जाओ। आपको एक हमारे से मंजूर करना होगा। बोलो बेटी। आज के बाद आप शराब तो नहीं पियेंगे। ठीक है बेटी। ऐसे नहीं मानूंगी। आप हमारे सिर पे हाथ रखकर कसम खाएं कि आज के बाद बेटी हम शराब नहीं पियेंगे। खाओ कसम पापा। बेटी बेटी, हमने सागर को भेज दिया। हम कसम खाते हैं आज के बाद हम दारू नहीं पियेंगे। सारी तैयारियां करो बेटी, जैसे भी हो। हमारा दोस्त सागर सिंह मलिक यहाँ गया है, जैसे ही सारी व्यवस्था हो जाए हमें बुला लेना बेटी। ठीक है चलो माँ। हेलो। अरे मेरे सरकार मोहन का